हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, विजय तिवारी का एक फ्रेज था, सो मत सो। तो दोस्तों, सो मत सो को आज हम लोग समझते हैं, इसको डिटेल्स में समझते हैं, इसका मीनिंग, इसका सेंटेंस मेकिंग कैसा रहेगा और इसको हम लोग जनरली स्पोकन में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, सो मच सो को हम लोग कहेंगे टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट, इतना कि, यहां तक कि, इतना ज्यादा कि, इन सेंस में आएगा। तो जब हमें कुछ कहना है कि कोई काम ये इतना ज्यादा अच्छा है कि उसका ये फायदा मिला, तुम्हारी भाषा इतनी अच्छी है कि तुम हर किसी को प्रभावित कर सकते हो, यह मैच इतना अच्छा है कि ये बहुत आसानी से, इसे आसानी से जीता जा सकता है, तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हें आसानी से एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो जब हम लोग इतना इस प्रकार की बातें कहेंगे तब हम लोग सो मच सो का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे वीडियो में आखिर तक रहें, उसकी हर बात को समझिए और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें, क्योंकि जनरली ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस हम लोग स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, चालू करें वन बाय वन, पीछे वीडियो छोड़ना नहीं है दोस्तों, और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करना है। यस, आई माइसेल्फ बिलीव इन फ्रीडम, I myself believe in freedom so much so that I am ready to die without it. I myself believe in freedom. मैं खुद स्वतंत्रता में भरोसा करता हूं, मैं खुद आजादी में भरोसा करता हूं, so much so that I am ready to die without it. इतना ज्यादा कि मैं इसके बिना मरने को तैयार हूं, इतना ज्यादा करता हूं कि मैं इसके बिना मरने को तैयार हूं। दोस्तों, अगला सेंटेंस लेते हैं। Your English is good. Your English is good, so much so you can impress the interviewer easily. Your English is good, so much so that you can impress the interviewer well. तुम्हारी English अच्छी है, इतनी ज्यादा अच्छी है कि तुम interviewer को अच्छे से या आसानी से impress कर सकते हो, प्रभावित कर सकते हो। इतनी अच्छी है कि, यहां तक कि, इतनी ज्यादा अच्छी है कि तुम इंटरव्यूअर को आसानी से प्रभावित कर सकते हो, इम्प्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं दोस्तों, और क्लियर होने लगेगा। इट वॉज अ ग्रेट मैच, इट वॉज अ ग्रेट मैच, ये बहुत अच्छा मैच था, सो मच सो दैट, इतना ज्यादा कि, सो मच सो दैट इट वॉन द फर्स्ट प्राइज, इट वॉन द फर्स्ट प्राइज, इतना ज्यादा अच्छा था कि इसे प्रथम प्राइज मिला, इसे फर्स्ट प्राइज मिला। You both look alike. You both look alike so much so that sometimes I get confused. You both look alike. तुम दोनों समान दिखते हो, तुम दोनों एक से दिखते हो। So much so that sometimes I get confused. इतने ज्यादा समान दिखते हो, यहां तक कि कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो मिस्टर विजय तिवारी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कुछ सेंटेंसेस से आपका जो डाउट था, आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसका इस्तेमाल कैसे करें, आप समझ गए होंगे कि अब इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करना है, फ्रेजेस का हम लोग को इस्तेमाल कैसे करना है। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बहुत से लोगों को शेयर करें ताकि वो भी सो मच सो का इस्तेमाल भली भांति कर सके, अच्छे से कर सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें आपके भी डाउट रहेंगे, मेरे भी डाउट रहेंगे। आजकल मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूं, लॉकडाउन की वजह से घर पे ही ऑनलाइन क्लास लेता हूं, शाम को 6 से 7। ओके, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लास में भी आइए दोस्तों, और आपको भी किसी टॉपिक पर डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। ओके, बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।